विधानसभा चुनाव 2019 की मतदान प्रक्रिया के चलते आज 21 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से ही करनाल के सभी बूथों पर चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस दौरान शांतिपूर्वक तरीके से लोग मतदान करते दिखाई दिए। इस मौके पर करनाल के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भूरिया ने पहुंचकर सभी बूथों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने मतदान करने के भी लोगों से अपील की। सुरेंद्र बोरिया स्वयं मतदान करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एवं अन्य सभी के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों में मतदान के प्रति भारी रुझान देखने को मिला। देखिए समाचार एक्सप्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट। कभी ये मत सोचो कि आपका क्या हो रहा है, ये सोचो देश का क्या हो रहा है, इसलिए वोट करने जरूर जाना चाहिए। ये अपना सेल्फ राइट है और देना चाहिए हर किसी को वोट। वोट यंग जनरेशन है तो सिर्फ ये नहीं कि वोटिंग करना, ये भी सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा। तो फ्यूचर के लिए सोचना है तो प्लीज वोट जरूर करिए। आप वोट करके आए? हाँ जी, मैं वोट करके आई हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम समता है। मेरा नाम ममता है। लॉ की स्टूडेंट हूँ तो हमारे अकॉर्डिंग तो वोट करना चाहिए, अपना राइट है और हम चाहते हैं कि कोई भी आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ की पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम, सभी हर प्रकार के रंग, चाहे वो बूथ की ड्यूटी हो, हमारी 47 पेट्रोलिंग पार्टी है, उसके अलावा जो बजट अफसर और इंस्पेक्टर्स की 10 टीम उनकी, इसके अलावा जो है पेट्रोलिंग कर रही है, 5 कंपनी पैरामिलिट्री की डिप्यूट की गई है। और आपके माध्यम से मैं सभी करनाल वासियों से अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें और बगैर किसी डर के, भय के, लोभ के, और ज्यादा से ज्यादा अपना वोट डालें। आप लोगों से मतदान की अपील करें, आपने कितनी भी मतदान किया, आपने दिखाया है पूरे जिले की बात करें, संवेदनशील कितने बूथ है, अति संवेदनशील कितने बूथ है? देखिए, हमने जो संवेदनशीलता है उसको 3 कैटेगरी में बांटा है। जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है वल्नरेबिलिटी मैपिंग करके, पूरे ज़िले में हमारे कुल 24 वल्नरेबल बूथ हैं। इसके अलावा 50 लोकेशन ऐसी हैं जहां हमने पैरामिलिट्री डिप्यूट की है उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए, और जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव बूथ्स हैं वो करीब 9 ऐसे बूथ हैं। इन तीनों कैटेगरी में पैरामिलिट्री का कम से कम हाफ सेक्शन किया गया। सीएम साहब, क्योंकि Z+ प्रोटेक्टेड पर्सन है तो उनका रूट हमने फिक्स किया है, वो जब आएंगे आपको पता लग जाएगा। आप 2 रूट रखते हैं, जैसे भी होगा वो सिक्योरिटी। आखिरी सवाल, शांतिपूर्ण मतदानों के लिए करनाल पुलिस तैयार है? मैं बिल्कुल आपके माध्यम से सभी को एश्योर करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन जो हम कंडक्ट कराएंगे, सभी इंतजाम इसमें किए गए हैं। यदि किसी की कोई सूचना है या कोई कंप्लेंट है, उसके हमने 5 नंबर कंट्रोल रूम के अलावा सभी अखबारों के माध्यम से प्रकाशित किए हैं, आप तुरंत जो है इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। बिल्कुल, ये थे एसपी साहब। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद